हाय दोस्तों, मैं आपका भाई रविंदर। हमारी नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको इसी के पॉली हाउस में टमाटर की खेती जोताई से लेकर बिजाई तक का प्रोसीजर भी बताएंगे। सबसे पहले हमने ट्रैक्टर से जमीन तैयार की। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये है छोटा ट्रैक्टर जिसको जापत ऋषि बोलते हैं। इससे हम क्यारियाँ बना रहे हैं। क्यारियाँ बनकर बिल्कुल तैयार हैं। अब इसमें खाद डालेंगे। ये खाद ऑर्गेनिक खाद है, इसमें कोई भी केमिकल यूज़ नहीं कर सकते। कैसे खाद डालनी है ये भी आपको दिखा रहे हैं। क्यारियों के साथ साथ ही खाद डालनी है, ये देखो आपको सीधा दिखा रहे हैं। सभी क्यारियों में खाद डल चुकी है। अब क्यारियों को सेट करेंगे। जैसे अपने इंडिया में पनीरी बीजते हैं ना, वैसे ही इन क्यारियों को भी सेट करेंगे। जैसे बेड टाइप बनाएंगे, और बेड टाइप बनाने के बाद इसमें हम पाइप बिछाएंगे। वो सब प्रोसीजर आपको दिखाएंगे। ये खाद बिल्कुल ऑर्गेनिक खाद है, इसमें कोई भी केमिकल यूज़ नहीं कर सकते। खाद डल चुकी है, ये देखो अब पाइपें बिछा रहे हैं। यहाँ पे पाइपें बिछा रहे हैं और दूसरी साइड में भी दिखाते हैं, और दूसरी साइड में पॉली हाउस में स्प्रे भी कर रहे हैं। ये देखो, ये पॉली हाउस में अंदर की तरफ स्प्रे कर रहे हैं। ये स्प्रे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो रात को ओस पड़ती है, सुबह पॉली हाउस के अंदर जाने पर धूप निकलने पर पानी नीचे ना गिरे और पौधे को कोई नुकसान ना हो। लगभग स्प्रे हो चुकी है। अब आपको दिखाएंगे पाइपों को कैसे बिछाना है, उनको चेक करके भी दिखाएंगे। ये देखो स्प्रे हो चुकी है। स्प्रे करने के बाद आगे का भी प्रोसीजर बताएंगे, बस आप साथ बने रहें। ये जो स्प्रे करनी है ना, ये दोपहर के टाइम ही करनी है ताकि धूप का मौसम हो, तभी ये स्प्रे करनी है, वरना नहीं करनी है। अब आपको दिखाते हैं पाइप, बस स्प्रे हो चुकी है। अब आप ये देखो, हमने पाइपों को बिछा दिया है। अब हम इसमें पानी को चेक करेंगे और इसमें देखेंगे कोई भी पाइप कटी फटी ना हो, पानी सही तरह से आ रहा है। ये देखो पानी भी, अब इसमें देखते हैं कि कोई पाइप खटी फटी ना हो। हम देखते हैं, ये देखो एक मिल गई जगह जहाँ से कटी फटी है, और भी देखते हैं। ये देखो, ऐसे ही हर पौधे की जड़ में पानी गिरना चाहिए। अब हम इसके ऊपर पाइपें चेक हो चुकी हैं, प्लास्टिक लगा दिया है। अब इसमें हम पौधे लगाएंगे, वो भी दिखाएंगे कि कैसे पौधे लगाने हैं, सब आपको दिखाया जाएगा। पौधे को लगाने से पहले उसको अच्छी तरह ऑर्गेनिक को पानी में डालकर भगो दें ताकि जड़ पूरी तरह से भीग जाए, और जब हम पौधे को लगाएंगे ताकि उसमें कल को कोई भी कीड़ा ना लगे और जड़ की मजबूती रहे। ये देखो, हमने सभी पौधे लगभग ऑर्गेनिक पानी में भगो दिए हैं। ये देखो आप देख रहे हैं, ऐसे भगोने हैं जब तक जड़ में पानी ना जाए। और ये देखो, ये पौधे लगाने शुरू कर दिए हैं। ये मेरा भाई ये पौधे लगा रहा है, आप देख रहे हैं कैसे पौधे लगाने हैं। इसी तरह से पौधे लगाने हैं, जैसे सुराख डाल के खुली करते हैं, इसी तरह से पौधे को लगाना है, ऊपर से डालते हैं। ये देखो, ये साइड में सभी पौधे लगा दिए हैं। सारे पॉली हाउस में हमने पौधे लगा दिए हैं। अब इन पौधों को ढकने के लिए हम कह सकते हैं कि जैसे रात को ठंड ना लगे, इन पौधों के ऊपर तसूद डाल देंगे बस, और हमारा ये पॉली हाउस तैयार है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब